अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है कॉलोनी वर्सेस केज, मतलब क्या आपको बताना है, कॉलोनी ज़्यादा अच्छी है या तो केज में प्रोग्रेस ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, कॉलोनी और केज, आपसे बात शेयर करनी है कि कॉलोनी में ज़्यादा अच्छी ब्रीड होती है या तो केज में। व्यूअर्स, कॉलोनी उनको बनानी चाहिए जिनके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि कॉलोनी में 50-60 आराम से पेयर आ जाते हैं। अगर बड़ी कॉलोनी हो तो उनको एक ही दफ़ा बाजरा देना पड़ता है, बाजरा पानी आराम से, टाइम भी नहीं लगता, 2 मिनट में बाजरा पानी चेंज हो जाता है और उनकी पूरे दिन की जान छूट जाती है। तो जिनके पास टाइम नहीं होता उनके लिए कॉलोनी बेस्ट है। अगर जिनके पास, जो घर पे रहते हैं, वो केज में करते हैं अपना सेटअप, केज में बनाते हैं, क्योंकि पोर्शन वाइज जो केज होते हैं उनके अंदर अलग अलग सबको बाजरा पानी देना पड़ता है, उसमें ज़्यादा टाइम भी लगता है और ज़्यादा मेहनत भी लगती है, क्योंकि सबको आपको ये कैल्शियम, नमक, समंदरी नमक वगैरह सब देना पड़ता है, सबको अलग अलग देना पड़ता है। और कॉलोनी में ये होता है कि एक ही जगह रख दें सारे, बट खुद ही आके खाते हैं। और रिवर्स कॉलोनी में एक ये बात है कि ब्रीड का और केज में ब्रीड में क्या फ़र्क है। तो रिवर्स कॉलोनी में होता है कि पूरा झुमघुटा होता है, मतलब आप बड़ी कॉलोनी है तो तकरीबन 20-30 पेयर तो होते हैं कॉलोनी के अंदर, तो आपको पता नहीं होता कि किसका पेयर किसके साथ बना हुआ है, कौन मेल किस फीमेल के साथ है और किसके बच्चे हैं, किसके अंडे हैं। आप में इसमें से किसी को कुछ नहीं पता होता, तो और आप बस कोई अगर मटकी से बच्चा गिर जाए, खुदा ना करता है मटकी मादी बाहर फेंक दे, तो आप उस बच्चे का कुछ नहीं कर सकते और उसको आप हैंड फीट पे उठाने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर कॉलोनी में ये होता है ना, हैंड फीट पर उठाने लग जाएंगे, अगर आपने किसी और मटकी के अंदर डाल दिया, वो जो बच्चा मटकी से गिरा होगा, तो वो बच्चा फीमेल फीड नहीं करवाएगी, क्योंकि फीमेल को अपने बच्चों का पता होता है। अगर आप सही तरह अगर आप छुपा के बच्चा डालें मटकी के अंदर और उसी एज के बच्चों के साथ उस बच्चों को डालें, तो फिर ये है कि मादी फीमेल खिला सकती है खाना। और रिवर्स केज में तो आपको पता होता है कि किसका पेयर किसके साथ है, किसके कितने बच्चे हैं, किसके कितने अंडे हैं, क्योंकि ये तो अलग अलग होता है। और आपको कॉलोनी में ये पता नहीं होता है कि किसने किसने कितने अंडे दिए हैं, किसने कितने बच्चे दिए हैं, बस आप कॉलोनी में आपका टाइम बचता है और कुछ नहीं होता। कॉलोनी में इतनी ख़ास ब्रीड नहीं होती, क्योंकि उसमें कॉलोनी में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। आपको जो पता है, जब एक मेल के साथ एक फीमेल के साथ बहुत सारे मेल जब लग जाते हैं पेयर बनाने के लिए, तो इनमें बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं और बहुत मसले मसाइल होते हैं, और तोते मरने का ख़तरा भी बहुत होता है, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो बहुत सारे तोते मारने लग जाते हैं और इनमें लड़ाई का बहुत खतरा होता है और इसमें तोते मरने के भी बहुत चांसेस होते हैं। आप जैसे कि अभी देख सकते हैं, ये पोर्शन वाइज जो केज है इसके अंदर अलग अलग पेयर हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा है कॉलोनी के बेहतर, ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि इस पेयर ने कितने बच्चे निकाले हैं, इस पेयर ने कितने अंडे दिए हैं, सही है व्यूअर्स, आप में इसमें अंदाज़ा है। और कॉलोनी जो होती है उसमें आपको पता नहीं होता। और बस ये है कि केज में थोड़ा टाइम लगता है बाजरा पानी देने में। कॉलोनी मैंने जब पहले शुरू में मेरे पास केज नहीं था, तो ये आप देख सकते हैं, इससे मैंने कॉलोनी ही बनाई थी, मैंने वहाँ जो उस तरफ है यहाँ पे मैंने मटकियाँ लगा दी थी कीले वगैरह ठोक के, और मैंने सारे तोते छोड़ दिए थे। तो व्यूअर्स, कॉलोनी में मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, मैंने तकरीबन 1 से 2 महीने रखे, कोई ब्रीड नहीं हुई, जो फीमेल अंडे देती थी वो भी मटकी से बाहर वो फेंक देते थे, क्योंकि इतनी लड़ाइयाँ होती थी कॉलोनी के अंदर, और आपको पता है जब लड़ाइयाँ होती हैं तो फीमेल होती है अंडे या बच्चे हों वो फ़ौरन बाहर फेंक देते हैं। तो मैंने तकरीबन 2 महीने अपने ज़ाया करे इस चक्कर में, मैंने कॉलोनी बनाई थी तो अंडे तो दिए किसी फीमेल ने, मगर उसमें से ना ही बच्चे निकले और अंडे भी फीमेल ने बाहर फेंक दिए। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये केज है, इसमें तो कोई लड़ाई का मसला है ही नहीं। अगर आप इनके बच्चे निकलें, जब इनके बच्चे सेल्फ हो जाएं, ऐसा मतलब खुद से खाना खाने लग जाएं, तो इनको पकड़ें और मैं पट्टों के अंदर छोड़ दूंगा, इनमें कोई लड़ाई का चक्कर ही नहीं है, ये आराम से ब्रीड करेंगे। अभी वह सेकेंड ब्रीड के लिए, आपके पता है सेकेंड ब्रीड इन्होंने स्टार्ट कर दी है, लेकिन अभी इन्हें बच्चे भी अलग नहीं करे। आप ये देख सकते हैं इसके साथ ही बच्चे बैठे हुए हैं, ये सेल्फ तो हो चुके हैं, मतलब खुद से खाना खाते हैं, लेकिन मैंने अभी इनको अलग नहीं करा है, क्योंकि अभी थोड़े छोटे हैं, थोड़े सही हो जाएं, तकरीबन 2-3 महीने के ये हो जाएं तो मैं इनको अलग कर दूंगा। और इनमें अभी देख सकते हैं आराम से रहते हैं, कोई खाना खाने का चक्कर भी नहीं है, लड़ाई वड़ाई का कोई चक्कर भी नहीं है।
फीमेल और कॉलोनी में ये होता है अगर कोई बच्चा मटकी से बाहर आ जाए तो पता नहीं मेल या फीमेल उसको खाना खिलाते भी हैं या नहीं खिलाते, कोई भी तोता नहीं खिलाता उनको खाना, कोई कोई कभी कभी खिला देता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर यही होता है जो मटकी से बच्चा बाहर निकलता है उसको कोई खाना नहीं खिलाता कॉलोनी के अंदर, वो मर भी सकता है या तो अगर आपने देख लिया तो आप उसको हैंड फीड पर उठा लेंगे, ये हो सकता है। हैंड फीड पर भी टाइम लगता है आपको, तकरीबन उसको 3 से 4 दफ़ा फीड करवानी पड़ती है, 3 से 4 दफ़ा अगर आप फीड करवाएंगे उसको फिर आपको टाइम भी देना पड़ेगा उस तोते को, वो जब हैंड टाइम हो जाएगा वो भी अच्छा है, लेकिन कॉलोनी मेरे हिसाब से तो केज ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कॉलोनी में जब मैंने खुद कॉलोनी बनाई थी तो उसमें ये चक्कर था कि कोई ब्रीड नहीं हुई, मेरे बस बाजरे में पैसे जाया हुए, मतलब यही कि कोई ब्रीड हुई नहीं तो ना ही कोई बच्चे निकले, अंडे दिए थे, मैं कह रहा हूँ अंडे, ऐसा नहीं कि ब्रीड नहीं होती, ब्रीड होती है कॉलोनी में, लेकिन उसमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है उसमें, मैं यही कह रहा कि कॉलोनी में ब्रीड नहीं होती, कॉलोनी में ब्रीड होती है लेकिन बहुत मुश्किल है, उनमें फड्डे अगर हो जाए कॉलोनी के अंदर आपको संभालना पड़ेगा उसको, अगर जो लड़ाई कर रही है उसको पकड़ के अलग करना पड़ेगा या उसका पेड़ अलग करना पड़ेगा, उसकी मटकियाँ अलग करनी पड़ेगी, तो उससे बेहतर ये है कि आप डायरेक्ट सीधा सीधा केज ही ले लें, 8 पोर्शन का भी होता है, 12 पोर्शन का भी होता है, 15 का भी होता है, 20 पोर्शन का भी होता है, तो एक पेयर में आपके पास एक पिंजरे में 20 पेयर आ सकते हैं, 20 पोर्शन का भी एक जो केज होता है वो तकरीबन 1.5 बाई 1.5 का एक पोर्शन होता है, इससे थोड़ा छोटा होता है, ये तो थोड़ा बड़ा है, वो थोड़ा छोटा होता है, तकरीबन इतना होता होगा और इतनी गहराई होती होगी, वो 20 पोर्शन का होता है, वो थोड़ा महंगा है, 6-7 हज़ार रुपये का मिलता है आपको नया, तो उसमें 20 पेयर आ सकते हैं, आप खुद सोचें एक ही पिंजरे के अंदर जब 20 पेयर आ जाएंगे तो आप जब उनके बच्चे निकलेंगे 20 पेयर के, अगर 3-3 बच्चे भी दिए तो आप खुद हिसाब लगा लेंगे कितने बच्चे होंगे, कॉलोनी से ज़्यादा रिजल्ट इसका है, लेकिन बस उसमें यह है कि आपको सबको बाजरा पानी देना होगा अलग अलग, क्योंकि आप ये देख सकते हैं इसमें टाइम भी लगता है, अगर आपके पास बाजरा छानने वाली मशीन है तो आपको फिर इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बाजरा छानने में बस थोड़ा टाइम लगता है, बाकी पानी चेंज करने में तो कोई टाइम नहीं लगता, पानी निकाला फेंका दूसरा पानी भर दिया पानी का तो काम हो गया, बस बाजरे में थोड़ा टाइम लगता है इनको साफ़ करने में, अगर आप अपना सेटअप बड़ा कर रहे हैं तकरीबन 20 पोर्शन का जो केज ले रहे हैं तो आप एक बाजरा छान साफ़ करने वाली मशीन भी ले लें, उसमें आपको ये है कि ये आप बाजरा निकालें मशीन के अंदर डालें वो फ़ौरन साफ़ होकर बाहर आ जाएगा, आपको इसमें भी टाइम नहीं लगेगा, अगर आप खुद ही साफ़ करते हैं हवा वगैरह से फूक फूक मार के तो इनमें यार टाइम बहुत लगता है, क्योंकि मैं तो खुद साफ़ करता हूँ, मेरे पास मशीन है नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना कोई बड़ा सेटअप है नहीं, बस एक दो पिंजरे हैं, बाकी नीचे एक सेटअप है, बस आराम से तकरीबन आधा एक घंटा मुझे लगता है इनको बाजरा पानी डालने में, मैं सुबह डालता हूँ, फिक्स टाइम है इनका, मैं 11-12 बजे तक इनको बाजरा पानी डाल देता हूँ, अगर कभी कहीं देर हो गई या कुछ हो गया, कभी कभी जल्दी भी डाल देता हूँ या कभी कभी देर से भी डाल देता हूँ, कहीं इंसान है कहीं किसी को कहीं जाना होता है तो मैं कहीं जाता हूँ तो इनको पहले से ही बाजरा पानी डाल के रख देता हूँ या तो आगे डालता हूँ, तो भी बस आज की वीडियो का टॉपिक मेरा यही था कि आपको बताना था कॉलोनी वर्सेस केज, तो मेरे हिसाब से तो केज ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि इसमें लड़ाइयाँ बहुत कम होती हैं, लड़ाइयाँ मतलब होती नहीं हैं, आप पेयर बना के रखेंगे तो लड़ाई किस बात की, लड़ाई होनी नहीं चाहिए, अगर आप मेल मेल रख देंगे तो फिर उसके बाद लड़ाई हो सकती है, अगर आप पेयर बना के रखेंगे तो कोई लड़ाई नहीं होगी, और केज में ज़्यादा अच्छी भीड़ आती है, इनको कोई तंग करने वाला नहीं होता, आराम से सुकून से बैठे भी होते हैं आपके सामने, अगर कॉलोनी में तो ये होता है किसी फीमेल ने अगर अंडे दिए हुए हैं तो 3-4 नर होते हैं वो आ जाते हैं मटकी के अंदर, ये वो लड़ाई वगैरह करने लग जाते हैं, अंडे वंडे तोड़ देते हैं, अंडे वंडे फेंक देते हैं और बच्चे बच्चे भी मार देते हैं, तो भी बस आपका नुकसान होने से बेहतर है आप पहले से ही तैयारी कर लें, आपको अच्छा सेटअप मिल जाएगा, अच्छी ब्रीड मिल जाएगी, अभी देख सकते हैं माशाल्लाह से कलर सेम, क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं, ये फर्स्ट पहली ब्रीड के हैं, उसके बाद वाली ब्रीड के हैं, और व्यूअर के पट्टे आप देख सकते हैं तैयार हैं ब्रीडिंग के लिए, अभी मैं थोड़े से पेयर और बढ़ाऊँगा, अभी आप देख सकते हैं ये भी केज खाली है, इंशाल्लाह जी कोई पेयर बनता है तो मैं इसको इधर रख दूँगा, बाकी 2 पोर्शन जो है नीचे के भी खाली हैं उन्हें भी मुझे पेयर बना के रखना है, तो व्यूअर्स अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमान अल्लाह, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फी अमान अल्लाह।